नमस्कार, मैं बाकी शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आइए नजर डालें देश की बड़ी खबरों पर। राजस्थान के धौलपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 10 लोग डूब गए। यह हादसा पार्वती नदी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादसा दिहोली इलाके में महंतपुरा गाँव के पास भूरा घाट पर हुआ। दरअसल दोपहर करीब 2 बजे महंतपुरा गांव के कुछ लोग चंबल नदी में मूर्ति विसर्जन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान 2 युवक नदी में नहाने चले गए और तेज बहाव में बह गए। फिर इनको बचाने के लिए कई युवक नदी में उतर गए, लेकिन वो सभी तेज बहाव में बह गए। वही इस दौरान धौलपुर के जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने कहा कि घटना के दौरान 10 लोग डूब गए हैं। हम 7 शव बरामद करने में सफल रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉब लिंचिंग को लेकर जिन 49 मशहूर हस्तियों ने पत्र लिखा था, जिसके बाद इन हस्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अब इसी मामले को लेकर 180 अन्य मशहूर हस्तियां इस फैसले के खिलाफ आगे आई हैं। इनमें मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह से लेकर इतिहासकार रोमिला थापर तक शामिल है। इन सेलेब्स ने भी एक ओपन लेटर जारी किया है, जिस पर सभी ने हस्ताक्षर किए। सोमवार को रिलीज किए हुए इस ओपन लेटर में इन हस्तियों ने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री को एक खुला खत लिखना देशद्रोह कैसे हो सकता है। लेटर में लिखा गया कि हमारे ही 49 साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर ये मामला सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी चिंताएं व्यक्त और आवाज उठाई। देश में लगातार हो रहे मॉब लिंचिंग को लेकर चिंता व्यक्त करना गलत कैसे है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भले ही लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस हो, लेकिन एक लड़ाई कांग्रेस के भीतर भी है। चुनावी मौसम में पार्टी के वरिष्ठ नेता बागी हो रहे हैं। इसका असर पार्टी को चुनाव में परिणामों में देखने को मिलेगा। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हार का अंदेशा जताया है। सलमान खुर्शीद ने एक इंटरव्यू में कहा कि शायद कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नहीं जीत सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष इस कदर बढ़ गया है कि वो अपना भविष्य भी सुनिश्चित कर पाने में सक्षम नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 542 में से मात्र 52 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह अगस्त में सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। पार्टी की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। वही मुंबई के वाशी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल पनवेल की ओर जा रही लोकल ट्रेन में आज सुबह आग लग गई। आग पेट्रोग्राफ में लगी, जिसके बाद पूरे वाशी रेलवे स्टेशन को खाली कराया गया। आग को बुझाने से पहले रेलवे स्टेशन की बिजली की आपूर्ति को भी काट दिया गया था। गनीमत रही कि हादसे पर तुरंत काबू पाने के उपायों के चलते कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस हादसे की वजह से लाइन पर सभी ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक किसी ने पेंटोग्राफ में बैग फेंका था, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग की वजह से 12 मिनट तक रेलवे सेवाएं बाधित रही, लेकिन अब रेल सेवा सुचारू रूप से चल रही है। बीजेपी ज्वाइन करते ही आप कार्यकर्ता ने वापस ली मानहानि की शिकायत। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे सुनील कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को वापस ले लिया है। इस मामले में कोर्ट ने केस को वापस लेने की अनुमति दे दी है। मानहानि की शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 4 मई को हुए हमले पर हरीश खुराना के ट्वीट को लेकर दायर की गई थी। हाल ही में सुशील कुमार ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसके बाद सुशील ने शिकायत को वापस ले लिया है। तो ये थी देश की बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी।